ओम शांति। मुरली का तारीख है 14/1/2019। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसीलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए, देह अभिमान टूटा हुआ हो या देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी, इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो, सतयुगी तो नहीं समझेंगे। तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो ना स्वर्गवासी हो ना नरकवासी, तुम हो पुरुषोत्तम संगमवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाए? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, यहाँ भी तुम समझते हो। नंबर वार, बाप आते हैं संगम युग पर, तो यहाँ बेंट भी अभी की जाती है सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी, सतयुग में रहने वाले को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्ण वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे, लिखना चाहिए अब यहाँ पुरानी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर, ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कोई ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अरे यहाँ तो नरक है ना, सतयुग है कहाँ, यहाँ रावण राज्य है। तब तो रावण को जलाते हैं। उनके पास भी कितने जवाब होते हैं, सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम
क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना है, इसमें बहुत ब्रेन चाहिए, ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी, या पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, या राम राज्य है या रावण राज्य। हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी है या नई दुनिया के वासी है, हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करे तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी है। कोई शरीर छोड़ते है तो कहते हैं स्वर्ग पदारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? अभी तो कलयुग है, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है, वहाँ अभी कैसे जाएंगे? या सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कॉन्ट्रास्ट हो, इसमें लिख दो भगवान वाच, हर एक अपने से पूछे मैं सत्युगी राम राज्य निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ। तुम ब्राह्मण हो संगमवासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं, तुम हो सबसे न्यारे, तुम सत्युग कलयुग को यथार्थ जानते हो, तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो, या तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी यहाँ लिखत देख, आपे ही अंदर से पूछेंगे, इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सत्युगी डीटी राज्य तो इसको कोई कह ना सके, या हेल है या हेवन, ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित है, हमारे में दैवी गुण तो है नहीं, कलयुग में सत्युगी कोई हो ना सके। ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए, जो ओटे सो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम दिया है, बाबा कहते हैं या जो गीता है उसमें आटे में लून नमक है, लून और चीनी में कितना फर्क है, वहां मीठा और वहां कारा। कृष्ण भगवान वाच लिखकर गीता ही कारी कर दी है, मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं, विचारों को ज्ञान के रास का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसी को पता ही नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं या भूल जाते हैं, टीचर को ही भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, बाबा कहते हैं माया कम नहीं है,
तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विकर्म बन जाते हैं। ऐसा कोई काली दिन नहीं जो विकर्म ना होते हो। एक मुख्य विकर्म या करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। या फरमान मानते नहीं है तो जरूर विकर्म ही होगा, बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा। कितना भी माता मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया है इसमें मेहनत है। तुम वहां जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना या है नई बात। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल, रोटी टुकड़ा खाते हैं वहां भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे। बाप को याद करते रोटी टुकड़ा खाते रहे बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे, टाइम लगता है। कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए या हो ना सके, इसमें तो दो बाप है। बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वहां इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को या श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे 84 जन्म लेते लेते, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी। फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी। जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है। पावन बनना है तो किसी को दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे। तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम बल सच बताओ वा ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के
बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी विकर्म नहीं करना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते। वहाँ सर्वगुण संपन्न देवता है, या तो है ही बाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं। इसका मतलब है कि वहाँ इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो ना सके। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्च किया। बाप कहते हैं, तुम कितने पैसे गवाते आए हो। बेहद का बाप उल्हना देते हैं। तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। वहाँ जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसीलिए कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। या ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है। एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं। बाप जो नॉलेजफुल है, वहां बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यहाँ है बिल्कुल नई पढ़ाई। वहां भी कौन पढ़ाते हैं? भगवान। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने या पढ़ाई से ऊंच पद पाया है। कहां राजाई, कहां प्रजा। कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं वा नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं है। तुमको बनना है सोने की बुद्धि। वह उनों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बैच पर भी किसी को समझा सकते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहां 5000 वर्ष की बात, कहां लाखों वर्ष की बात। कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है। जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। यहां बैठ ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है। इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो, उससे तुम 21 जन्मों के लिए सद्गति को पाते हो। शुरू शुरू में
तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है, अब पुरुषार्थ कर, गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, उसमें से एक दो निकलेंगे। अगर पांच छह इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फार्म बनाए, अलग अलग समझाना चाहिए, नहीं तो उनों में एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देगा। फार्म तो जरूर अलग बनाओ, एक दो का देखे भी नहीं तो वहाँ समझ सकेंगे। यहाँ सब युक्तियाँ चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वहाँ अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फार्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए, गीता पढ़ी है, देवताओं को मानते हो, बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वहाँ जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है? बाप ने कहा है मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है यहाँ अच्छे मददगार बनेंगे। कल्प पहले मिसाल अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। सेकेंड पॉइंट, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। वरदान, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता की शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भवा। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए। उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता। कई है जो समझते हैं या ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम
खराब ना हो, इसीलिए अपने विवेक का कूट करते हैं। या भी पाप के खाते में जमा होता है, इसीलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। श्लोगन, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। अच्छा, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है, बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव हो, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। अच्छा, ओम शांति।